सबसे पहले एग्जाम के लिए आप लोगों को सिलेबस का पता होना आवश्यक है। इस बार क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ है आपके एग्जाम में, सिलेबस भी देखने को मिला है हमें, क्लियर, तो देर आर चांसेस कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो आज हमारा जो मेन वीडियो रहेगा ये उस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी काउंटर करने का रहेगा। सेकेंड है, सिलेबस के साथ साथ हम लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आइडेंटिफिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ रिकमेंडेड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब सवाल है रिकमेंडेड बुक्स का मतलब क्या है? रिकमेंडेड बुक्स का मतलब है जो नॉर्मली किताबें सिविल सर्विसेज के लिए यूज की जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, क्योंकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो उन बुक्स को, उन किताबों को जरूर रीड करते हैं। तो अगर कल को क्वेश्चन थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी आ गया और वो उस किताब में से है जो रिकमेंडेड बुक है, तो उसको हम मुश्किल क्वेश्चन नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने उन रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ा होगा और वो उस तरह के मुश्किल सवाल को जो काफी लोगों को लग रहे होंगे उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जो ना एनसीईआरटीज में हो ना रिकमेंडेड बुक्स में हो, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको एग्जाम में छोड़ दिया जाए तो आप लोगों के लिए बेटर है। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चन ही आप लोगों ने सही करने हैं। कट ऑफ के बारे में मेरे को भी नहीं आइडिया है, किसी को भी नहीं आइडिया है, क्योंकि एग्जाम डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। पर क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है जनरल स्टडीज में, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जाने के चांसेस है। एटलीस्ट 100 में से 100 या 90 तो नहीं जानी चाहिए, क्लियर। तो कहानी सिंपल सी यही है कि हर सवाल हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता, और जब नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसमें वैसे ही खत्म हो जाती है कहानी किसी भी क्वेश्चन को गलत करने की, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर घबराते हैं, डरते हैं कि वो नेगेटिव स्कोर ना करें। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो और रिकमेंडेड बुक्स हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट रहता है, दैट इज योर मेकिंग नोट्स, और उसके साथ साथ है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, क्लियर, उसके साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, तो इस तरह से हिस्ट्री के 5-6 सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अब हिस्ट्री में इन एंशियंट को कैसे कवर करना है, मिडाइवल को कैसे कवर करना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, ये तो हिस्ट्री की बात होगी। इसके अलावा पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, तो आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है वो इस समय में कवर करने हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा काफी स्टूडेंट जो इस साल सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट नोट्स बने होंगे, तैयारी उन्होंने कर ली होगी, क्लियर, और उनको पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नहीं पता है तो आज के वीडियो में बेसिकली हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन जरूर है उन लोगों से जो 1 या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि आने वाले 2-3 महीनों को उन्होंने किस तरह से यूटिलाइज करना है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद नए हैं, अभी जिन्होंने प्रिपरेशन करनी शुरू की है, वो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप लोगों को एक वेल प्लानिंग की आवश्यकता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आपको प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए करनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने में एग्जाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मे बी मेरे जो शब्द है, मेरे जो वर्ड्स है वो थोड़े से हार्श होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। जिस तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम में स्पेशली जो सिविल सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज है, इनमें देखने को मिलता है, उस तरह का हमें बाकी एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगेन, फिर भी कोशिश करिए, मेहनत करिए, हिम्मत करिए, कभी आईडी पता नहीं लगता कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन हाँ, जो मेहनत करेगा जरूर उसकी किस्मत में सक्सेस लिखी है। तो अब देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सीएस प्रिपरेशन में, इनकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में प्रिलिमिनरी सिलेबस की अगर डिस्कशन की जाए तो देखो ये सिलेबस लिखा हुआ है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। समझ आ गया सबको? अब इस तरह से जो है वो हिस्ट्री को प्रिलिम्स के लिए डिफाइन किया गया है। और थोड़ा सा और डीप में जाया जाए तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री में है, एम्फेसिस विल बी ऑन ब्रॉड जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो यहां से आप एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को अप्रोच करोगे तो आप लोगों का ध्यान रहेगा उस सोसाइटी या उस टॉपिक के 3 डायमेंशंस को कवर करने का। उनमें सबसे पहला रहेगा पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, या मैं वैदिक एज की बात करूं, या मैं ब्रिटिश रूल की बात करूं, तो वहां पे हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हमें बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं है कि किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पे हुआ करता था।
काफी लोग ऐसा कहते हैं कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन में मर्चेंट्स रूल किया करते थे। वैदिक एज के बारे में कहीं ना कहीं हमें आइडिया है कि एक राजन हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था जिसको इनिशियली लोग सेलेक्ट करते थे, बाद में राजा जो है वो एक मोनार्क के रूप में एस्टेब्लिश हो गया क्लियर, और राजा ने अपने अकॉर्डिंगली पूरा जो साम्राज्य था, पूरे जो एरियाज थे उनको डेवलप करना शुरू कर दिया। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह का या अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी जब हम एक टॉपिक हिस्ट्री के अंदर अप्रोच करेंगे, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है क्लियर, और ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टॉपिक्स की आइडेंटिफिकेशन रहती है वो इंपॉर्टेंट जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं या इंपॉर्टेंट हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहती है। तो एक तो हम पॉलिटिकल डायमेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे, सिलेबस में मेंशन है, उसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक डायमेंशन को देखेंगे। इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब है कि किस तरह के सिक्के यूज किए जाते थे, कॉपर के किए जाते थे, गोल्ड के किए जाते थे। आई होप आप लोगों ने निशाका, सतमना इस तरह के कॉइन्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो परेशान मत होइए, जब आप हिस्ट्री रीड करोगे, रिवाइज करोगे, तब आप लोगों को इनके बारे में पता चल जाएगा। और तीसरा जो है वो है सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट का मतलब है कि उस सोसाइटी में किस तरह से वुमेन की कंडीशन थी, क्या कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्लासेस के ऊपर डिफरेंशिएशन थी, वो हमें पता लगा जब हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को जो लोअर एंड अपर डाउन में डिवाइडेड थे। उसी तरह से जब हम वैदिक एज की बात करते हैं, जिसमें जब हम ऋग्वेदा को पढ़ते हैं तो उसमें कास्ट सिस्टम की बात की गई, तो वैदिक सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हमें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कवर करने हैं अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर। तो ये एक तो ये आपका जनरल हिस्ट्री में तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमेशा आपका ध्यान रहेगा, चाहे कोई भी टाइम पीरियड है हिस्ट्री का। अब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि किन किन टॉपिक्स को हमें ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू नेचर एंड करेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी। अब ध्यान रखना है यहाँ पे 19th सेंचुरी की बात की गई है। 19th सेंचुरी का सिंपल सा मतलब यही है कि आपका 1857, बेसिकली 19th सेंचुरी की शुरुआत जो है वो आपकी 1801 से शुरू हो जाएगी और 1899 तक चलेगी क्लियर, या 1801 से लेकर 1900 तक जो है वो आपकी 19th सेंचुरी रहेगी। तो 19th सेंचुरी में जो हमारे देश में नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई क्लियर, वहां से क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। नेशनल मूवमेंट का मतलब है जहां पे हम लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, हम लोगों को रियलाइज होना शुरू हुआ कि एक एक्सप्लॉइटर हमारे सर के ऊपर बैठा है और हम लोगों को इक्वली एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस तरह से देश में धीरे धीरे नेशनलिज्म की डेवलपमेंट होगी। ये आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है एंड आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो नॉर्मली क्या है कि हम लोग आसान भाषा में 1801 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, 1857 स्पेशली जब हम लोगों ने फर्स्ट रिवोल्ट देखा जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम भी दिया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन हुई, सब देश के लोगों को लगा कि हम एक ही हैं क्योंकि हम सबका कॉमन एनिमी था दैट इज ब्रिटिश एम्पायर। उसके खिलाफ धीरे धीरे हिंदुस्तान इकट्ठे होने शुरू हुए, सब में नेशनलिज्म का फीलिंग आया और बाद में 1947 में एक देश बना, वैसे दो देश बने, उसके पीछे की कहानी डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट इतने बड़े एरिया में जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसके बाद भी सिर्फ दो ही देशों की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, देशभक्ति की फीलिंग थी, वो बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी थी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो इसी जर्नी को जो है वो डिस्कस किया जाएगा और इसी के ऊपर आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टिल द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 तक। तो जब बात किया गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी कि एंशियंट टाइम पीरियड की बात हो रही है, मिडाइवल टाइम पीरियड की बात हो रही है क्लियर, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो सिलेबस को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो यही है कि जो 19th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो जो इवेंट्स हैं उनको हम लोगों ने कवर करना है, और उसके साथ साथ जब भी हम किसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट को देखेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल पीरियड को देखेंगे, तो हमें उसकी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। अब ये कोई बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ सिलेबस नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड सिलेबस है, इसका मतलब है आपको हिस्ट्री में हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो सारी हिस्ट्री के हर एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यही कारण है हम लोगों को टॉपिक्स को अब आइडेंटिफाई करना है कि हमने हिस्ट्री में किस किस टाइम पीरियड या किस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हिस्ट्री का उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज्यादा तवज्जो देनी है। लेकिन इससे पहले हम लोग 2014 और 2019
बेसिकली जो 2017 में 17 का आपका प्रीलिम्स था, जो 2019 में हुआ था, उसके ट्रेंड्स को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे हिस्ट्री को पांच छह पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे हिस्ट्री है सबसे पहले आपकी एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री आप ऐसा रख लीजिए टिल गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड के बारे में नहीं पता है तो सुन लीजिए, 6th century AD, ये वो वाला टाइम पीरियड है जो बहुत पहले हो चुका है। ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर रिलाई करते हैं उस टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करने में। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, जब भी हम हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटररी सोर्सेज यानी कि जो लिखी गई चीजें हैं उनके ऊपर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। एंशियंट टाइम पीरियड बहुत पुराना है, वो 10,000 साल पुराना हो सकता है, 20,000 साल पुराना हो सकता है, 1,00,000 साल पुराना हो सकता है। तो इतनी पुरानी चीजों के आज सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज ही मौजूद हैं। वैदिक एज से पहले यानी कि जब तक आपके वेदास नहीं लिखे गए थे उससे पहले हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज के ऊपर ही रिलाई करते हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी या जो लैंग्वेज थी वो अभी तक डिकोड नहीं की गई, डिसाइफर्ड नहीं की गई। यही कारण है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज मिले, आप सब लोगों को पता है राखी घड़ी आपके राज्य में ही है, क्लियर। तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज है वहां से हमें आइडिया लगता है कि किस तरह का नेचर था वहां की सोसाइटी का, कैसा पॉलिटिकल नेचर था, कैसा इकोनॉमिक नेचर। तो एंशियंट हिस्ट्री काफी हद तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड रहती है। उसके बाद वैदिक एज के बाद हमें लिटररी सोर्सेज भी देखने को मिले। तो एंशियंट टाइम पीरियड टिल गुप्ता पीरियड, अब मैं टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है या कौन कौन से टॉपिक्स को हमने इंपॉर्टेंस देनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन हमारे या सेकंड पार्ट हिस्ट्री का रहता है वो है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री का मतलब है 7th century BC से लेके 18th century BC। 18th century BC बेसिकली, आई होप अब तो आइडिया लग गया होगा, 18th century BC का मतलब है 1701 से लेके 1800 के बीच में। 18th century BC ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे जो मुगल एम्पायर हुआ करता था उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ब्रिटिश एम्पायर का राइज होना शुरू हो गया। यही कारण है 18th तक का जो टाइम पीरियड है उसको मिडाइवल इंडिया के नाम से पढ़ा जाता है। अब ध्यान रखना अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों के ऊपर एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पीरियड में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये इंडियन कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ध्यान रखना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मतलब क्या है, जब ब्रिटिश का यहाँ पे अराइवल हो गया तो ब्रिटिश का अराइवल तो बहुत पहले हो गया था, 16th century में हो गया था, लेकिन ब्रिटिश ने अपने आप को बड़ी पावर के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया 18th century। तो आप लोग ऐसा रख लीजिए कि मिड ऑफ 18th century का मतलब समझो क्या है, इसका मतलब है 1757 से लेके 1947 तक, 1947 तक का जो टाइम पीरियड है जहां पे ब्रिटिश एम्पायर अपने आप को एक बड़ी पावर के रूप में डेवलप करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, उसको हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं। तो हिस्ट्री को अगर कैटेगराइज करना है तो इस तरह से हम तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर एक हिस्टोरिकल इवेंट का कुछ कल्चरल एस्पेक्ट भी रहता है। कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ टाइम पीरियड पे टेंपल्स डेवलप हुए होंगे, कुछ टाइम पीरियड पे मुगल्स के दौरान जो है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर डेवलप हुआ होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना एक तरह का कल्चर हो सकता है, कैसे क्या वो खाया करते थे, कैसे रहा करते थे, क्या पहना करते थे, क्लियर। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स हर एक टाइम पीरियड के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। पर क्योंकि कल्चर के बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है तो वैसे कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 2019 में जब आपका प्रीलिम्स हुआ था 2017 का, वहां पे कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आसान भाषा में वैसे भी जब आप किसी एक सोसाइटी के सोशल नेचर को अंडरस्टैंड करते हो तो वहां पे कल्चरल एस्पेक्ट वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हिस्ट्री को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्ट्री का और पार्ट है, दैट इज हरियाणा हिस्ट्री। उसके बारे में जब हरियाणा जीके के बारे में डिस्कस किया जाएगा वहां पे आप लोगों के साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि हरियाणा हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। आई होप ये बेसिकली मैं बिल्कुल ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर तरह के बच्चे की नीड को कैटर करना, तो आप लोगों को आइडिया भी लगे, जिन्होंने नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है उनके लिए भी बढ़िया रहे, क्लियर। उनको भी जब भी वीडियो देखे तो उनको कहीं ना कहीं से फायदा लगे, और जो इस साल के हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये वीडियो सुनना पड़ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिए
आप लोगों को जो है वो, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो सिंक्रोनाइज कर रही है, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, अगर आप उस स्ट्रेटजी को बहुत समय से फॉलो कर रहे हो। क्योंकि इस टाइम पे जब एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, तो वहां पे मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी को लास्ट मिनट पे चेंज करो। तो देखिए, ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, देखो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन बताता है। जैसे 2011 भी है, लेकिन 2014 की जब मैं बात करूं, तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, ओनली वन क्वेश्चन। मिडाइवल हिस्ट्री से भी सिर्फ एक सवाल पूछा गया, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन पूछे। तो 16 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से 2014 में पूछे गए, जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के थे। तो 2014 का पेपर जब आपने एनालाइज किया, तो आपको क्या पता चला कि अगले पेपर के लिए हमने सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। लेकिन आप भूल गए कि उससे पहले जो है वो एंशियंट और मिडाइवल के ऊपर क्वेश्चंस आया करते। सिर्फ एक साल के ऊपर जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। वैसे हरियाणा में पूरे एक डिकेड में, यानी कि पिछले 10 सालों में 3 बार ही पेपर हुआ है। तो पेपर्स के ऊपर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाना जो है वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बाकी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करूं, तो हर साल एग्जाम होता है, तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की वेरिएशन है, किस तरह की डिविएशन है। लेकिन इस एग्जाम्स में फिर भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स सीखने होते हैं जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं। तो उसी तरह का लेसन जो है वो 2019 में जो प्रीलिम्स हुआ वहां पे देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए, मिडाइवल हिस्ट्री से 5, मॉडर्न से 7, और जो कल्चर ऑफ इंडिया है वहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि 2019 में आपको 25 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। तो जिसने ये सोचा होगा कि एंशियंट और मिडाइवल छोड़ देता हूं, उसके लिए देख लो 2019 में क्या हुआ होगा। तो क्या समझे आप लोग यहां से आप लोग समझे कि पहली बात, हिस्ट्री में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री है, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री है, या इवन हर एक टाइम पीरियड का कल्चरल एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं कल्चरल एस्पेक्ट थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड भी रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके बारे में क्लियर कट आइडिया रहना चाहिए कि हिस्ट्री में आपने एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेटजी का मतलब ये भी रहता है कि जो लेसन्स है उनको भी हम लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। जो गलतियां हुई होंगी कभी या किसी और ने की होगी, वो गलती आपने नहीं करनी है। तो पहला जो इन ट्रेंड से एक चीज का आइडिया लगा, वो ये लगा कि हिस्ट्री में किसी भी सेक्शन से या एंशियंट मिडाइवल या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहीं से भी कितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो आपकी अप्रोच और आपकी प्रिपरेशन तीनों एरियाज को फोकस करेगी। यहाँ पे आप पिक एंड चूज नहीं करेंगे, क्योंकि काफी स्टेट एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और वो पिछले 10-15 साल से ऐसा हो रहा है। वहां पे आप कहीं ना कहीं एंशियंट एंड मिडाइवल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा में आप लोग ऐसा नहीं करोगे। तो ये पहला लेसन सीखा आप लोगों ने, जो 2 साल के ट्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इससे पहले भी 18-19 सवाल 2011 में जब प्रीलिम्स हुआ था, तब भी 18-19 के आसपास क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए थे। ठीक, तो पहला ट्रेंड्स की बात की जाए। दूसरा आ गया, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो पिछले 2 साल या पिछले जो हमारे 3 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उनको देख के एक चीज का आइडिया तो बिल्कुल क्लियर कट लग गया कि हिस्ट्री में जो टॉपिक्स नॉर्मल या जो रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारी, उनके अंदर मौजूद हैं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो किसी एक टॉपिक से ज्यादा बार सवाल पूछे गए या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए, और कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनसे अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से इस बार भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है, वैदिक एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, मॉरियंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्ट मॉरियन पीरियड के ऊपर भी सवाल पूछा गया है, और गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो आसान भाषा में जो जो टॉपिक्स हैं उनमें से आज तक हर बार एक ना एक बार सवाल पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं उनको अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, ताकि हम अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ एग्जाम को थोड़ा काउंटर कर सके और बाद में ये बता सके कि एग्जाम मुश्किल था या आसान था। तो ध्यान रखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें इस तरह के हथकंडे या इस तरह की जो प्रिपरेशन उसके साथ ही जाना चाहिए। तो जब मैं बात करूंगा, अब सवाल आएगा कि अच्छा, इंडस वैली और इन टॉपिक्स में से हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को किस किस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि सिलेबस में भी मेंशन था, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नेचर।
तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, क्लियर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही बताते हैं कि कैसी सोसाइटी थी, कैसी पॉलिटी थी, कैसी इकोनॉमी थी। यही कारण है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को रीड करना पड़ेगा। कौन से एरिया में, कौन सी जगह पे, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले उनको पढ़ना पड़ेगा और उनके बेसिस के ऊपर हमारी क्या इंटरप्रिटेशन है कि वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां की इकोनॉमी कैसी थी, वहां की पॉलिटी कैसी थी, उसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक एज जो है वो कहीं ना कहीं वेदास के ऊपर डिपेंडेंट है और वेदास जो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के साथ रिलेटेड हैं तो इनके ऊपर भी काफी सवाल पूछे गए। सबसे इंपॉर्टेंट और एक बड़ा ही रेलेवेंट सवाल है एक हिंदुइज्म, कुछ आपकी हिंदुइज्म फिलोसफीज हैं जिनमें हिंदुइज्म फिलोसफी में आपकी सांख्या, योगा, मीमांसा, क्लियर, इस तरह की हमें विशेषिका, इस तरह की फिलोसफीज देखने को मिलती है और उन फिलोसफीज के ऊपर भी लास्ट टाइम सवाल पूछा गया। तो आप लोग देख सकते हो कि जब वेदास की बात की जाएगी या बाद में बुद्धिज्म जैनिज्म की बात की जाएगी तो उनके ऊपर भी हमें क्वेश्चंस पूछने को मिल सकते हैं। तो वैदिक एज के साथ मैं इन जनरल आप लोगों को रिलीजन को कवर करने की भी बात करूंगा कि आपने रिलीजन जो है उसको भी कवर करना है क्योंकि वैदिक एज के बाद आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट रिलीजन देखने को मिले, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा दैट इज योर मौर्यन एम्पायर, वहां पे जो अशोका या इंपॉर्टेंट मौर्यन किंगडम के इंपॉर्टेंट राजा थे और उनकी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मेन ध्यान आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के ऊपर होना चाहिए, क्लियर, कि मौर्यन पीरियड में जो विलेजेस थी उनको क्या कहा जाता था, जो प्रोविंसेस थी उनके हेड को क्या कहा जाता था जो पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करेगा, उस दौरान इकोनॉमी कैसी थी, उस दौरान सोसाइटी जो है वो किस तरह से डिवाइडेड थी। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए हर एक टाइम पीरियड के बारे में। उसी तरह से पोस्ट मौर्यन पीरियड की मैं बात करूं तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको मल्टीपल इंपॉर्टेंट किंगडम्स डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे जिनमें आपकी साउथ इंडिया में चल रही थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज जिसका नाम था संगम एज। और संगम एज मेनली फेमस है अपने लिटरेचर के लिए, चाहे लिटरेचर मनी मेघलाई, सिलाप्पा थी ग्राम, क्लियर, इसके साथ साथ कुछ कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं पट्टू पट्टू, क्लियर, इटुटुगाई। अभी जो नाम है ये वो नाम है जो लिटरेचर डेवलप हुआ ड्यूरिंग संगम एज और संगम एज में सिलाप्पा थी ग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट यानी कि मौर्यन एम्पायर, देखिए मौर्यन एम्पायर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट कंट्रोल उसका एस्टेब्लिश था। मौर्यन किंगडम के बाद इंडिया में छोटे छोटे एरियाज में अलग अलग जो एम्पायर से उनकी फॉर्मेशन होगी और उनका कंट्रोल रहेगा, तो उन्हीं में इससे ही संगम एज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ऊपर वाले एरियाज में पहले आप लोगों को इंडो ग्रीक्स देखने को मिलेंगे, क्लियर, उसके बाद आप लोगों को जो है वो कनिष्का नाम का एक रूलर देखने को मिलेगा जिसने यहाँ पे स्कल्पचर आर्ट को डेवलप किया। तो पोस्ट मॉडर्न किंगडम में चाहे आपके पार्थियंस की बात की जाए, क्लियर, इसके साथ साथ सातवनहास की बात की जाए, इनके बारे में भी आप लोगों ने डिस्कस करना है। बाद में गुप्ता पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया है कि सवाल पूछा गया, तो गुप्ता के टाइम पे अगेन विलेजेस को क्या कहा जाता था, उस दौरान जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, किस किस तरह के सिक्के, किस किस तरह के कॉइन्स हमें देखने को मिलते थे, क्योंकि वो जो कॉइन्स है वो इकोनॉमिक नेचर ऑफ गुप्ता के बारे में बताएंगे, क्लियर। उसी के साथ साथ पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात की जाए जहां पे मल्टीपल किंगडम्स हैं, राष्ट्रकूटाज हैं, क्लियर, उसके साथ साथ जो है वो इंपीरियल चोलाज आएंगे, एक चोलाज आपके संगम एज में थे, एक चोलाज आपके गुप्ता पीरियड के बाद में भी थे, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पालाज है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट किंगडम्स गुप्ता पीरियड के बाद बने उनको भी आप कवर करोगे और क्या देखोगे, उनका सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नेचर, क्लियर। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 5 to 6 टॉपिक्स हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, आई होप उनके हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है। नेक्स्ट जो है वो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें यहां से देखने को मिले, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। जब अराइवल ऑफ इस्लाम हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद मल्टीपल इन्वेजन्स हुए, सबसे पहले डिसाइड किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा कि वो इंडिया में अपना एम्पायर बनाएगा, लेकिन मोहम्मद गौरी की मृत्यु होगी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया में अपना एम्पायर बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब एम्पायर बनाया उसको हम लोग मानते हैं बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में अलग अलग रेसेस के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया और वो रूल चला इब्राहिम लोधी तक। इब्राहिम लोधी को हराया बाबर ने और जैसे ही बाबर ने हराया उसके बाद एक ही फैमिली ने रूल किया
जिसको हम लोग मुगल एम्परर एम्पायर या मुगल एम्परर्स के रूप में जानते हैं, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मल्टीपल सब्सिक्वेंट किंग्स हमें देखने को मिले। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में भी अगेन आपने क्या ध्यान रखना है, वही कि सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, क्लियर, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, मनसबदार कैसे थे, जागीरदारी सिस्टम कैसा था। तो जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर से रिलेटेड, वो आप लोगों ने करनी है। इसके साथ साथ जो भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म है उसके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे, भक्ति सेंट्स के बारे में देखोगे, सूफी सेंट्स के बारे में देखोगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को पढ़ोगे, उनके द्वारा डेवलप किए हुए लिटरेचर को जो है वो मेमोराइज करोगे। इसके साथ रीजनल किंगडम्स, जो छोटे छोटे किंगडम्स बने थे दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के साथ या इनके बाद, उनको भी आपने कवर करना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक वैसे कोई सवाल नहीं आया है, जैसे मराठास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिख एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो आपके बंगाल एक अलग से प्रोविंस बन गई थी, एक अलग से एरिया बन गया था, हैदराबाद एक अलग से एम्पायर बन गया था, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में एटलीस्ट जो मुगल एम्पायर तक या जो आपके मुगल एम्पायर के साथ रीजनल किंगडम्स हमें देखने को मिले या दिल्ली सल्तनत के साथ देखने को मिले, जैसे विजयनगर एम्पायर है, बहामनी किंगडम है, डेक्कन सल्तनत्स हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं मिडाइवल इंडिया में आप लोगों को कहूं कि दो एरियाज ऐसे हैं जिन पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो कौन से एरियाज हैं, फर्स्ट इज योर दिल्ली सल्तनत एंड सेकंड इज योर मुगल एम्पायर। ये दो एरियाज ऐसे हैं जिनमें जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो उतना आप लोगों ने इनको कवर करना है, उतना ज्यादा आपने इनको रिवाइज करना है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। तीसरी बात की जाए, दैट इज योर मिडाइवल सॉरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए, अरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इवेंट्स में कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इवेंट्स भी मैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले जो फेज है दैट इज फ्रॉम 1757 टू 1857, ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को एक बड़ी पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर रही थी। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे इंडिया के मौजूद छोटे छोटे किंगडम्स को या बड़े बड़े किंगडम्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी वो हरा रही थी। इसमें चाहे मराठास को कहा की बात की जाए, मैसूर की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, इन सारे एरियाज को धीरे धीरे ब्रिटिश जो एम्पायर या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में डिफीट किया जा रहा था। तो ये वो वाला टाइम पीरियड जहाँ पे हमें मल्टीपल बैटल्स देखने को मिली। लेकिन ये टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की मैं बात करूं, लॉर्ड वेलेसली की मैं बात करूं, या लॉर्ड विलियम बेंटिक की मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे, उनके ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इस फेज को भी आपने फोकस करना है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें ब्रिटिश अपने आप को एक बड़ी पॉलिटिकल पावर या एक बड़ी पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जो जो बैटल्स हुए उनके बारे में आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1857 टू 1885, ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा और उसके बाद 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी। इसके बीच में हमें मल्टीपल एसोसिएशंस की डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलती है और उन एसोसिएशंस के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे पूना सार्वजनिक सभा है, क्लियर, इस तरह सत्यशोधक समाज है, क्लियर, इस तरह की जो एसोसिएशंस एस्टेब्लिश हुई फॉर्म हुई उनके ऊपर भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। या गवर्नर जनरल है या वाइसरॉय है कोई ब्रिटिश, जिसने कुछ ऐसा कदम उठाया है, ऐसा स्टेप उठाया है जिससे या तो इंडियंस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके बारे में भी आपको क्लियर कट आइडिया होगा। इसके बाद जो 1885 से लेकर 1919 की मैं बात करूं, यहाँ पे ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे कांग्रेस अपने आप को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू कर देगी। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे अलग अलग मूवमेंट्स चलेंगी और उसके साथ साथ चाहे बंगाल स्प्लिट हो 1905 का या 1905 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लॉन्च की हुई शुरू की हुई स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स मूवमेंट, उसके साथ साथ स्वराज मूवमेंट 1907 में कांग्रेस के अंदर का स्प्लिट जिसको हम सूरत स्प्लिट का नाम देते हैं, उसके बाद 1909 में पास हुआ एक एक्ट जिसको मॉरले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद 1916 में होम रूल की फॉर्मेशन जिसको बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा लीड किया गया 1916, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए फेमस है दैट इज लखनऊ पैक्ट। अब देखिए जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, जितने भी इवेंट है जहां पे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स या कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली एसोसिएटेड है वो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने ऑलमोस्ट हर एक इवेंट जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएटेड है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे,
किस कांग्रेस के सेशन में क्या डिसीजन लिया गया, कांग्रेस का कब कौन सा सेशन हुआ, इस बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी कांग्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद जब मैं लास्ट टाइम पीरियड की बात करूंगा, यहां से ध्यान रखना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दैट इज फ्रॉम 1919 टू 1947। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे महात्मा गांधी हिंदुस्तान में पहुंच चुके थे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं का मतलब क्या है कि अब महात्मा गांधी की लीडरशिप में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आगे बढ़ना शुरू होगा। तो जहां जहां महात्मा गांधी एसोसिएटेड होंगे, चाहे वो सत्याग्रह हैं, अहमदाबाद है, चंपारण है, खेड़ा है, या बड़ी मूवमेंट्स है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, पूना पैक्ट है, जहां जहां महात्मा गांधी अब इन्वॉल्व होंगे और उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग होगी उसको आप लोगों ने ट्रैक करना है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड में हमें रेवोल्यूशनरी ट्रेंड्स भी देखने को मिलते हैं, जहां पे कुछ लोग अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाते हुए वायलेंस का रास्ता यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। जिन रेवोल्यूशनरीज में भगत सिंह है, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, क्लियर। और उससे थोड़ा सा टाइम पहले हमें गदर पार्टी भी देखने को मिलती है, तो आप लोगों को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को भी कवर करना है। इसके साथ साथ जो प्रेस की डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया में उसको भी डिस्कस करना है, उसको भी कवर करना है। इंडिया में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एजुकेशन का क्या लेवल था, एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, उसको भी कवर करना है, क्लियर। जो अलग अलग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इंडिया के अंदर चले, जिनमें ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, आप लोग उनको कवर करो। आपको तो लग रहा होगा कि पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप लोगों को अपनी एक एक्सटेंसिव स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया कि स्ट्रैटेजी की जो ओरिएंटेशन है वो क्या रहती है। देखो, जब हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, दो तरह से क्वेश्चंस हम लोगों को अभी तक देखने को मिले हैं। एक हमें इस तरह के, पिछली बार बहुत ज्यादा सवाल जो है वो इस तरह से मैच द फॉलोइंग के रूप में हम लोगों को देखने को मिले, मैच द फॉलोइंग के रूप में जो है वो पूछे। अब इनको ना मैं मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ना ही इनको मैं बहुत ज्यादा आसान सवाल पूछ सकता हूँ। वैसे जो दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए जो है वो आप लोगों को पल्लवास, वैशाला, राष्ट्रकूटास, चोलास, फिर इन किंगडम्स के बारे में पता होना चाहिए। ये वो किंगडम्स है जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में मौजूद थे। तभी मैंने आपको कहा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपने उस टाइम पीरियड को मिस किया होगा तो ऑब्वियस बात है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसी तरह से जो है वो जैसे मुगल टाइम पीरियड पे जो अलग अलग जो है वो आपकी डेवलपमेंट हुई लिटरेचर की, उसके ऊपर भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिला। तो अगर आपने लिटरेचर को ढंग से नहीं पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनको मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मान सकता हूँ, ये उस तरह से जब आपकी कवरेज अच्छी नहीं होगी। अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं देंगे। तो हरियाणा की एक खासियत है, इन्होंने दोनों तरह के सवाल पूछ लिए अभी तक। इन्होंने जो है वो नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इनका इजी वाला भी है और मुश्किल भी है। जैसे देखिए, आसान सवाल यही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय इन 1866, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सती प्रथा कब बैन हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो 2014 में बहुत आसान सवाल आए थे, 2019 में भी इजी ही क्वेश्चन थे, लेकिन अगेन उनका जो नेचर था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए, अपने जब भी किसी एक टॉपिक को अप्रोच करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा आपको जनरल, मतलब बिल्कुल एक फैक्चुअल आइडिया के साथ साथ थोड़ा सा डिटेल में आइडिया भी होना चाहिए, ताकि आप लोगों से अगर थोड़ा सा गहराई में जाके सवाल पूछा जाए तब भी आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर सको। क्योंकि ये जो दो एग्जाम्स है, मैं दो एग्जाम को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों तरह के या टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल चुके हैं। तो आप लोग कंप्लीटली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इवन यहाँ पे भी फैक्ट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको जनरल आइडिया भी होगा किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, तब भी आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर अब लास्ट है हमारा कि कैसे हम लोगों ने अप्रोच करना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। अब दो तरह के लोग होंगे आप में से, अब ध्यान रखना, हर एक इंसान अपने तरीके से प्रिपरेशन करता है। मैं जो आपको चाहता हूं, मैं हर तरह की जो ऑडियंस उसको केटर करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन, तो उनके लिए तो ये डिटेल जो है वो काफी सफिशिएंट। काफी ऐसे लोग हैं जो वेटरन्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है, दो तीन साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, हरियाणा की कर रहे हैं, उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ा हुआ है, उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है, तो उनको इस टाइम पे स्ट्रैटेजी में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी किसके ऊपर बेस्ड रहती है, वो एनसीईआरटीज रीड करते हैं और
एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी एक रिकमेंडेड बुक पढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, एनसीईआरटी तो आई होप सबने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, आप जरूर उसको पढ़िए, क्लियर, क्योंकि आपको एक दायरा एक हॉराइजन भी बताती है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जाम में, नो डाउट इसके बाहर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो रिकमेंडेड बुक है वो आपने रीड की होगी, वो स्पेक्ट्रम की हो सकती है, वो विपिन चंद्रा की हो सकती है, क्लियर, वो सुमित सरकार, कोई भी किसी भी राइटर की बुक्स जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो जो भी आपने किताब पढ़ी है उसके साथ स्टिक रहिए, चाहे विपिन चंद्रा रीड की है, चाहे स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की रीड की है, जिस भी किताब को अभी तक आपने पढ़ा है आप उसी पे ही रिलाई करिए। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है तो जरूर रिकमेंडेड बुक को एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि काफी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिकमेंडेड बुक्स में देखने को मिलेगी। और जब मैं रिकमेंडेड बुक की बात कर रहा हूं तो रिकमेंडेड बुक में आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए किताब जरूर पढ़िए एनसीईआरटी के साथ। एंशियंट एंड मिडाइवल को कैसे कवर करना है उसके बारे में मैं भी डिस्कशन कर, क्लियर। अब देखो कैसे है, जो सिक्स सेवन्थ और एट्थ की क्लासेस की जो बुक्स हैं इनको तो आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। सिक्स क्लास में आर पास्ट वन, इसमें बेसिकली जो है वो एंशियंट टाइम पीरियड को मेंशन किया गया है। सेवन्थ क्लास में आर पास्ट टू, यहाँ पे मिडाइवल टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है। और एट्थ क्लास की एनसीईआरटी जो है वो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो आठवीं क्लास तक की बुक्स है, बहुत ज्यादा समय आपको इनको पढ़ने में नहीं लगेगा, क्लियर। उसके साथ साथ जो सेकेंड आपकी रीडिंग रहेगी वो रहेगी ट्वेल्थ क्लास की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन टू थ्री, ये भी एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो बेसिकली आप लोग लिंक करके पढ़ोगे, जब इसको रीड करोगे तो आपने इसको पढ़ना है, इसको पढ़ोगे तो आपने, ठीक है, आठवीं क्लास की पढ़ोगे तो आपने थीम थ्री को रीड करना। तो ये तो पहला बेस हो गया, जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया है हिस्ट्री कैसे अप्रोच करनी है, इवन जिन्होंने पढ़ा भी होगा वो भी इस तरह से इंटरलिंक करके जो है वो एनसीईआरटी को जितना जल्दी हो सकता है उतना रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर जो पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करिए, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन। उसके साथ साथ जो रेफरेंस बुक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रेलेवेंट है, देखिए एंशियंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसी तरह से जो मिडाइवल के लिए अगेन तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की हिस्ट्री है, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगी, क्लियर, आप इसको परचेज भी कर सकते हो ऑनलाइन। उसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं तो आपको स्पेक्ट्रम पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि विपिन चंद्रा प्रीलिम्स के लिए थोड़ी भारी हो जाएगी, थोड़ी हैवी हो जाएगी, स्पेक्ट्रम जो है वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। और आर्ट एंड कल्चर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, 11th क्लास में आपकी एक किताब है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और उसके साथ साथ एक और बुक है फाइन आर्ट्स। तो आप लोग 11th क्लास में जो कल्चरल एस्पेक्ट्स को फोकस किया गया है एनसीईआरटी, तो उसमें सिर्फ आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए, इसके लिए कोई नितिन सिंघानिया वगैरह किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल्चर उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। आप लोग अगर एनसीईआरटी को भी रीड करोगे तो उससे भी आप जस्टिस कर लोगे कल्चरल पोर्शन के, और ज्यादा डिपेंड करिए करंट ओरिएंटेशन के ऊपर, या जो बेसिक डांसेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, क्लियर, या डांसेस हैं इंडिया के, हिंदुस्तान के अंदर, उन डांसेस को थोड़ा सा कवर करिए, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कल्चरल एस्पेक्ट्स के साथ, हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़िए, उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी, जो भी आपने किताब अभी तक पढ़ी है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, उसको बार बार रिवाइज करो, कोई नया टेक्स्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है वो एनसीईआरटी पढ़ लो, ऐसे लोग जिन्होंने एनसीईआरटी को रीड कर लिया हुआ है वो एक रिकमेंडेड किताब पढ़ लो, ठीक है, तीन तरह के लोग हैं, इसी तरह के प्रिपरेशन रहेगी। तो ज्यादा कंफ्यूज स्पेसिफिक टाइम पे आप लोगों ने नहीं होना है, बस आप लोगों का एक गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चाहता हूं, मैं इस तरह से जो है वो प्रिपरेशन करना चाहता हूं, क्लियर, वो किसी भी एंगल में हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, एक रेफरेंस बुक आप जरूर पढ़िए। और अगर आपने कहीं से प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है, तो अपने नोट्स जिन्होंने आपको गाइड किया है उनके ऊपर रिलाई करिए, क्लियर, क्योंकि इस टाइम पे कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। ये बेसिकली मैं उन लोगों को मेनली एड्रेस कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं हिस्ट्री में करूँ क्या। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो बाकी हम लोगों ने स्पेशल सीरीज भी हरियाणा वाले बच्चों के लिए शुरू की है, जिसमें रिविजन होता है, क्लियर। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज जिसका नाम है, क्लियर। उसके साथ साथ हमारा इसी सिविल स्टाफ हरियाणा नाम का एक YouTube चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस चैनल पे आप लोग हमारी या मेरी इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, ताकि आप लोगों को फर्दर अपडेट्स मिल सके। तो चलिए इसी के साथ हम हिस्ट्री के स्ट्रैटेजी को म्यूट करते हैं, आने वाले लेक्चर्स में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।